नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आज मैं इस समय जुहू चौपाटी पे हूँ। आज जैसे कि अंधेरा काफ़ी हो गया है, हमारे दोस्त आए हैं गाजीपुर से चल गए, और जैसे कि आप लोगों को मालूम है सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चीज़ें तुरंत पूरे देश में दिखाई देने लगती है। तो हमारे जो दोस्त हैं वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और समाज की बातें समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं दिन रात, कभी भी जब भी समय मिलता है। उनका एक चैनल है, एक नया नया चैनल है जो काफ़ी लोकप्रिय है राजभर समाज में और अन्य समाज में भी, इनके फॉलोअर्स बहुत हैं। तो आज हमारे साथ हैं बंटी राजभर जी। बंटी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मुंबई की धरती पे भी आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद जो आप मुझे इस योग्य समझे, और आप सभी चैनल के जितने भी परिवार के लोग हैं आपके, मैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। पंडित जी उम्र में मेरे से छोटे हैं लेकिन सोशल मीडिया में हमसे आगे हैं, तो हमारे बड़े भाई की जैसा है, उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन जो बोलते हैं ना एक सीनियर, मतलब जिस चीज़ में जो काफ़ी समय से है और आप हम नए हैं तो हमारे सीनियर हो गए। भाई छोटे हैं लेकिन सीनियर है हमसे, और इनसे कुछ जानकारी भी लेनी है क्योंकि हम अभी नए हैं इस चीज़ में। तो बंटी जी हमें सहयोग करिएगा, और आप हमारे छोटे भाई हो लेकिन आप हमारे गुरु जैसे हो, क्योंकि जो बातें सीखने को आपसे मिलेंगी वो हमें ज़िंदगी भर याद रहेंगी। जी देखिए, गुरु नहीं, भले ही मतलब कहिए तो अग्रज हैं लेकिन गुरु जी नहीं, क्योंकि आजकल ना लोगों के अंदर ये है कि कहीं ये मुझसे ज़्यादा ना आगे चला जाए, तो जल्दी जो लगेगा कि ये जब हम ही से सीख रहे हैं तो कोई सिखाएगा नहीं जल्दी, लेकिन इसके लिए भाई गुरु नहीं, आप भले ही अग्रज हैं। और बता दें कि आप लोग जो भी भैया के चैनल को देखते हैं और इनकी वीडियो को देखते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये महाराष्ट्र से बेचारे दिखाते हैं, लोग गाँव से जब आते हैं प्रदेश कमाने के लिए तो दो पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ मैं सर्व समाज के लोगों का जो यहाँ पे घटित होता है उन लोगों का दिखाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को इनके अपने चैनल के माध्यम से, और आप लोग देखते भी हैं, कुछ काम भी ऐसा होता है जो चैनल के माध्यम से हो भी जाता है, तो इसके लिए आप लोग इनको भी आशीर्वाद दीजिए। जैसे आपने कहा कि लोग आज मतलब ये होड़ मची है सबसे आगे निकलने की, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है लेकिन होड़ मची है जी। हमारे चैनल का ये उद्देश्य है कि हम मिलके चलें, हमारा कहीं किसी से कंपटीशन नहीं है, आप हमारे भाई हो, कैसे बोलते हैं ना, अगर हम हाथ आपको दे रहे हैं, जब आप हमारे से हाथ मिलाओगे तब हम दोनों साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। सही बात है, एक दूसरों को साथ लेके चलने में ही आगे हैं, अलग अलग कहीं आप रहेंगे, आप लोग अगर तालमेल अगर हम लोग नहीं बनाएंगे एक दूसरे में तो फिर अगर कहीं ऐसी कोई आएगा तो फिर हमारा साथ कौन देगा, अगर हम दोनों लोग अगर एक नहीं रहेंगे। जैसे में एक हमारे गाजीपुर में एक घटना हुई थी, एक परिवार को परिवार था जो कि वो दलित परिवार से आते थे और उनका स्वभाव किन्नर समाजी से हो गया था, वो किन्नरों के साथ में रहते थे और किन्नर लोगों ने ही, अब उन लोगों के बीच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किन्नर लोगों ने उसको मार के लाया और वापस उसके घर में पूरा फर्श खोभा हुआ था और खोभा को तोड़ करके उसको उसमें दफना दिए, और दफनाने के 30 दिन तक हो गया था। 30 दिन बाद हमारे अग्रज हैं जोश एक्सप्रेस है, जो कि बेचारे उनका चैनल है जोश एक्सप्रेस के नाम से, और जितेंद्र दिव्यांग है, उनका दोनों हाथ नहीं है फिर भी वो बेचारे काम करते हैं चैनल पर, और उनके परिवार में कैसे भी उनसे वहाँ उनको पता चला और वो गए वहाँ पे वीडियो शूट किए, लेकिन डर के मारे, एक होता है ना कि जो लोग इनके ही मार के इन्हीं के घर में दफना दिए हैं, तो शूट करने के लिए तो कर लिए लेकिन लोग दिखाए नहीं, फिर जब नहीं दिखाए तो परिवार में उनका एक पुत्र था, फिर वापस हमारे गाजीपुर में और ख़ास तौर पर करके सोशल मीडिया पर काम करने वाले सबसे नंबर वन पे हैं ब्रजभूषण दुबे जी, उनको बुलाए और वो शूट किए वीडियो, और 1.5 महीने बाद वो दिखाए, मतलब उसकी मांस पूरा शरीर तो कंकाल हो गई थी, कंकाल ही बचा था, लेकिन फिर भी वो दिखाए, और मात्र उसके घर से 300 मीटर की दूरी पे था पुलिस स्टेशन, और पूरे जिले की बात है ये, 300 मीटर की दूरी पे एसपी कार्यालय था और वहाँ से कोई प्रशासन गया नहीं 1.5 महीने तक,
डाक के द्वारा उनको लेटर भी भिजवाया गया, फिर भी उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन पूरे लोगों ने इकट्ठा हुए सोशल मीडिया के, और जो टीवी वाले हैं जो लोग खबर चलाते हैं वो लोग कोई गया नहीं कवर करने के लिए, लेकिन हम और आप जैसे लोगों ने उनका खबर किया कवर। और 15 दिन जाते जाते उनकी फिर से वापस घर से निकली और पोस्टमार्टम के लिए गया और उन लोगों की पूछताछ करवाई, फिर से वो लोग गिरफ्तार। जैसे बंडी जी ने बताया कि ये एकता नहीं होने के कारण सब हो रहा है, मैं सभी लोग से बोलूँगा कि आपस में एकता बनाएं। अगर एकता रहेगी तो हम मजबूती से कोई भी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं। अगर एकता नहीं है तो हमें एक छोटा बच्चा भी आके मार के चला जाएगा, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जी बराबर सर। जी सही सही बात है, चूँकि जब साथ नहीं देगा तो कोई अकेले के, हम लोग कहते हैं भोजपुरी में गरीब के सबरी दबा वाला, तो भाई जब कोई साथ नहीं है तो कोई भी चाहेगा कि ये करेंगे ही क्या हमारा, तो कोई भी दबेर के चला जाएगा। तो ये ऐसे में हम सभी लोगों के एक रहने का ज़रूरत है, और साथ ही साथ में हमारे जो ऑडियंस लोग देख रहे हैं वो लोग भी अगर आशीर्वाद देंगे तो ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो दर्शकों से चाहेंगे कि भाई आप लोग भी एकता बनाइए, अपने को प्यार दीजिए, सभी को प्यार दीजिए, बंटी जी को प्यार दीजिए, हमें प्यार दीजिए। और इस समय हम तो काफ़ी समय हो गया बंटी जी को थोड़ा जो भी घुमाना है थोड़ा तो घुमा दिए हैं, तो थोड़ा बोले कि आप लोगों से भी परिचय कर लें कि अब गाजीपुर से चल के आए हैं तो जाहिर सी बात है इन्हें हमारे इलाके में आए तो घुमाना फिराना हमारा हक है, लेकिन क्या करें समय, मुंबई में समय किसी को मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। बंटी जी माफ़ी चाहूँगा ज़्यादा आपसे समय नहीं दे पाए, बहुत काफ़ी हम लोग बता दें आप सभी लोगों से, भैया ने कुछ इसमें छुपा रहे हैं, हम लोग यहाँ 2 घंटे से हैं और 2 घंटे में बहुत काफ़ी घुमाए हैं और अंधेरा हो गया चूँकि हम लोग घूमने में रह गए, वीडियो नहीं शूट कर पाए, इसलिए आप देख रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे कि हमारे छायाकार जो सम्मानित हैं भैया लोग कैमरा घुमा दीजिए, कैमरा घुमा के उन लोग को हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए ताकि उन लोगों को भी लगे कि हम लोग हैं जो है। एक बार आप लोग जो का नज़ारा है देखिए, घर पानी तो अंधेरा में नहीं आ रहा है, जो लहर आ रही है, लेकिन ये जो लाइटें हैं साइड साइड में ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा। और बता दें कि आप लोग भी एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार उतना ही प्यार आशीर्वाद राजभर एक्सप्रेस चैनल और भैया का एक अकीराज फिल्म इंटरटेनमेंट है जो मनोरंजन का भी दिखाने का काम करते हैं, तो उनके भी आप लोग जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद उतना ही दीजिए जितना सभी लोगों को दिया। अकीराज फिल्म इंटरटेनमेंट राजभर एक्सप्रेस एक नया प्रयास, एक नया प्रयास मतलब बहुत अच्छा लगता सुनने में, एक नया प्रयास, हम कोई जिस काम करते तो मतलब एक प्रयास रहता है। तो दर्शकों से चाहेंगे कि इस प्यार दुलार बनाए रखें एक नया प्रयास पे राजभर एक्सप्रेस पे, और जो फिल्म अकीराज फिल्म इंटरटेनमेंट है उस पर भी, और हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक भी हैं बंटी भाई को भी प्यार अपना प्यार दुलार दें कि हम भी इनके चैनल को फॉलो करते हैं। और इनका मैं एक छोटा सा लास्ट सवाल, एक नया प्रयास मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि हम भी कुछ सोच रहे थे कि ऐसे कुछ नाम रखे। वीडियो ख़त्म नहीं, 2 मिनट और चाहिए लगेगा। देखिए भैया मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक नया प्रयास इसलिए नाम रखा कि एक ही चीज़ को तो सब लोग दिखाते हैं, मैंने सोचा कि सब लोगों से हट के अलग दिखाने का प्रयास करूँगा, तो इसलिए मैंने रख दिया एक नया प्रयास जो कि अलग अलग चीज़ मैं दिखाता हूँ। अब जिसे हम लोग आए हैं गाजीपुर, चूँकि समय कम है, नहीं तो मुंबई में जितने भी स्टार लोग कहाँ कहाँ बंगला लिए हैं उनको नहीं यही आस पास में है, हम आपको भी बता देंगे यहाँ पे कौन कौन से स्टार है। चाहिए पानी। अब स्टार की बात तो क्या, स्टार लोग को क्या दिखाएं, जब स्टार बन जा रहे हैं लोग परिवार, जब हम लोग देख के जब उनको स्टार बनाते रहे तो लोग कहीं कमला पसंद गुटखा का प्रचार करेंगे ताकि जो उनके फैन हैं उन लोग को वो गुटखा खिलाने काम चालू कर देंगे, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं कमला पसंद का प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत काफ़ी अलग हैं, नहीं लाइक करते हैं, पहले तो उनके फैन थे लेकिन जब से कमला पसंद का प्रचार करने लगे तब से मैं इनसे इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब हमने जब आपको जब उस काबिल हम लोगों ने मिल के बनाया तो जब आपके फैन हो गए तो आप कमला पसंद का स्वाद मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको आप खिला रहे हैं, तो इसके लिए कवर करते हैं लेकिन अब जाना भी है। चलिए ठीक है, अभी आएंगे तो जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी, और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे
परम मित्र बड़े भाई अखिलेश राजभर जी को और इनका चैनल है एक नए अरे सॉरी राजभर एक्सप्रेस और अक्की राजन फिल्म इंटरटेनमेंट है। आप लोग इनको देखिए और प्यार और आशीर्वाद उतना ही दीजिए। जैसे मैं एक अलग अलग चीज़ दिखाता हूँ उसी तरह भैया भी महाराष्ट्र के लोगों को अलग अलग दिखाएंगे। कोशिश रहेगी, एक नया प्रयास रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को, समाज के लोगों को समाज तक पहुँचाने का। जी, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बंटी जी के साथ हो सके तो दूसरा वीडियो शूट करेंगे। इनके सहयोगी संतोष राजभर जी हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे अभी यहाँ से जाने के बाद। तो मिलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं भैया। और आप सभी लोगों के मेरा